Hey guys, what's up? It's DC here back with another video, and this time it's 12756 Bhavnagar Terminus से Kakinada Port जाने वाली Superfast Express। तो देखो यार, एक्चुअली आज का सीन क्या है, अपनी जो ट्रेन है जो कि भवनगर से Kakinada के लिए चलती है, वो वलसाद के आउटर पे अभी खड़ी हुई है। मैं एक्चुअली सिग्नल का यहाँ पे वेट कर रहा था, और जैसे ही मेरे को यहाँ पर सिग्नल मिल गया, यहाँ पर कोई मालगाड़ी जैसा आप देख पा रहे होगे राइट साइड में मुझे क्रॉस कर रही है। और पहले तो यार मैं ये ज़रा शीशा खोल देता हूँ अपने लोकोमोटिव का। जैसा कि सभी को पता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और देख रहे हो क्या बात है यार, आज वीडियो की शुरुआत में ही इतनी शानदार, मतलब जिसका मैं बता नहीं सकता पर मैं दिखा ज़रूर सकता हूँ। देख रहे हो क्या शानदार क्रॉसिंग हुई है यार, मालगाड़ी की जो साउंड हो रही है। और देखो आज की यार एक बहुत ही बढ़िया चीज़ और है, इस ट्रेन का जो लिंक होता है ना, वो विजयवाड़ा WDG 3A Twins होते हैं। बट मैं दिखाता हूँ तुम्हें चलते चलते कि आज मैंने क्या किया है, मैं इस ट्रेन के तुम्हें लिंक दिखाऊंगा। क्या बात है यार, मालगाड़ी देख रहे हो गाइस, ये मालगाड़ी जस्ट अभी वलसाद से निकली थी। जैसे कि आपने देखा, मैं यार सूरत की साइड से आ रहा था, और यहाँ पे यार वलसाद पे पहुँचते ही ना मेरी ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया। मुझे नहीं पता क्यों था, मे बी इस मालगाड़ी की वजह से हो सकता है। ऐसा होता है ना यार, कभी कभी आपकी ट्रेन को स्टेशन के बाहर रोक दिया जाता है। बट खैर अभी सिग्नल मिल गया, तो बढ़ते हैं अपने वलसाद की तरफ। और देखो स्टेशन का डिस्टेंस अब भी 1.8 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकता हूँ अपनी। तो लुधियाना WDM 3A और लखनऊ शेड का प्रबल WDM 3A, देख रहे हो यार, दो शेड का मैंने कॉम्बिनेशन किया है अपनी आज की वीडियो में। तुम लिंक देखो क्या शानदार दिया मैंने इस ट्रेन को। और वो छोड़ो, सबसे ज़्यादा तो तुम छगिंग पे नोटिस करो, आ रही है दमदार छगिंग। ओए होए होए, आज गाइस ऐसा ही अपना रन रहने वाला है इसी छगिंग साउंड के साथ। एक काम करता हूँ यार, अभी ना 63% थ्रॉटल पावर लगाता हूँ, और जल्दी से अपनी ये जो ट्रेन है इसको वलसाद रेलवे स्टेशन में एंटर करवाता हूँ। क्योंकि देखो 2:30 भाई, ऐसा असली में मत कहते ना, ढाई बोलते हैं उसको। तो गाइस देखो 2:30 का यार टाइम टेबल मुझे दिया गया था वलसाद रेलवे स्टेशन का, और 5 मिनट मेरे को आउटर पे ही लग गया सिग्नल की वजह से। क्या बताऊँ यार, देखो ये करते हैं ये रेलवेज वाले। बट खैर रेलवेज में सिर्फ इस गेम की बात कर रहा हूँ, अपना भारतीय रेल बहुत सही काम कर रहा है। एंड गाइस सॉरी यार, मुझे थोड़ा सा ना आने में टाइम लग गया, एक्चुअली मेरा ट्रिप था। तो देखो यार अपना रेलवे स्टेशन पास आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, थ्रॉटल पावर अब 13% रखते हैं। क्या बात है यार, वलसाद के आउटर पे देख रहे हो क्या बढ़िया ट्रैफिक लगा पड़ा है। यहाँ देखो ये गाइस कुछ लोकोमोटिव्स खड़े थे, और ये कोई वैफोर यार किसी ICF ट्रेन के साथ, उत्कृष्ट लिवरी। क्या बात है यार, अपनी ट्रेन में तो गाइस थोड़ा मिक्सचर है इसका, मतलब ब्लू कोचेस भी हैं और उत्कृष्ट लिवरी भी है। भाई डिस्टेंस काफ़ी कम बचा है। ओ भाई ये देखो यार क्या हो रखा है यहाँ पे, गाइस तुम ये देखो, मतलब वलसाद रेलवे स्टेशन में मैंने एंट्री मारी है, और यहाँ से भाई कोई मालगाड़ी निकाली जा रही है। क्या बात है यार, शुरुआत में क्या दमदार सीन देखने मिले हैं। और आज का तो यार हॉर्न भी इतना बढ़िया है ना मेरा, मतलब क्लासिक टाइम वाला। पुराने टाइम्स में आपको ये ज़्यादातर सुनने के लिए मिल जाता होगा WDM 2 में, बट मैंने क्या करा, WDM 2 से उठा के WDM 3A में लगा दिया। मेरा भाई मेंटेनेंस का काम ऐसे ही रहता है। और देखो यार मेरा सिग्नल थोड़ा पास आ रहा है, ऑलमोस्ट 80 मीटर की दूरी बची है, तो मेरे को ना यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। भाई WDM 3 अपनी ट्रेन को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। गाइस ब्रेक लगाता हूँ यार पहले अच्छे से। भाई भाई ब्रेक लगाओ यार, मैंने एक्चुअली गाइस लोकोमोटिव्स के ब्रेक लगा दिए और मैं ट्रेन के लगाना भूल गया। भाई अभी मेरा सिग्नल जंप हो जाता, और देख रहे हो मेरी ही ट्रैक पर वो मालगाड़ी निकल रही है। एक्चुअली गाइस सीन क्या हुआ ना, आपने देखा होगा शुरुआत में वलसाद रेलवे स्टेशन से किसी मालगाड़ी को निकाला जा रहा था जो कि वडोदरा की तरफ जा रही थी। यहाँ पे यार मेरे को थोड़ा सिग्नल पे देरी हो गई, जिस वजह से ये जो मालगाड़ी खड़ी थी ना वलसाद रेलवे स्टेशन में, इसको प्रायोरिटी दे दी गई कि चलो यार इतने ये भाई की ट्रेन तो लेट हो रही है, तो तू ही निकल जा आगे। अब यार ये मेरे को ना आगे पता नहीं कहाँ तक ट्रॉल करेगी। बट एनीवेज अपना वलसाद रेलवे स्टेशन का जैसे कि आप देख पा रहे हो शेड्यूल अपना लग चुका है, टाइम टेबल में टिक लग चुका है भाई। तो पैसेंजर्स बैठ रहे होंगे नहीं बैठ रहे होंगे ये तो नहीं पता, बट यहाँ पर यार मेरे को थोड़े से ना गाइस चेंजेस करने की नीड है। गाइस यहाँ पे कोई ट्रेन भी आ रही है यार, 22659 कोचुवेली। गाइस कोचुवेली से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने हमें यहाँ पे क्रॉस किया,
और इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, तो जैसे कि आप देख सकते हो बिना रुके ही यहाँ से जा सकती है। क्या बात है यार, वीडियो की शुरुआत में इतना शानदार ट्रैफिक देखने मिला है। भाई भाई मेरी जॉब तो नहीं जाएगी। गाइस सीन पता क्या हुआ यहाँ पे, मेरे लोकोमोटिव को मैंने लाकर रोक तो दिया था बट थ्रॉटल पावर 13% लगी हुई थी। भाई मेरे दोनों लोको ना फेल हो जाते, कसम से कह रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है भाई। गाइस देखो मैं थोड़ा सा ना यार यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अभी इग्नोर कर लेना। और हाँ मैं क्या कह रहा था यार, मेरे को कुछ चेंजेस करने थे। मेरा एक्चुअली देखो रिवर्सर ना, जब मैं रिवर्स पे लगा रहा हूँ तो ये सीधे में जा रहा है, हमें ऐसा नहीं करना। पहले मैं न्यूट्रल करता हूँ अपने रिवर्सर को। जी हाँ अभी हो चुका है मेरा कैप चेंज, तो अभी देखोगे रिवर्सर मैंने फॉरवर्ड में लगाया तो मेरी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड में ही गई है। और अब जरा हेडलाइट्स को डिम करके देख लें। जी हाँ पीछे वाली छोटी वाली जो लाइट्स है हमारी वो हो चुकी हैं रेड, और आगे वाली भाई वाइट होनी चाहिए। थोड़ा सा पास में चल के देख लें। जी हाँ ये देख रहे हो छोटी वाली जो लाइट्स हैं वो वाइट हो रखी है। क्या शानदार लग रहे हैं यार अपने दोनों लोगों। एक्चुअली गाइस ये दोनों लोकोमोटिव ना मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। और बातों बातों में यार यहाँ पे मुझे सिग्नल दे दिया गया वलसाड रेलवे स्टेशन से जाने का, तो चलो किस बात की देरी है, बट यार देरी तो है क्योंकि देखो मालगाड़ी अभी मेरे आगे गई है ना, तो यार यहाँ पर मेरा ज़्यादा डिस्टेंस जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। ये सिग्नल मैं क्रॉस करूँगा, आगे वाला सीधा रेड मिल जाएगा मेरे को, तो हल्का सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से डिपार्ट करते हैं। तो गाइस 2 किलोमीटर का मेरा यहाँ पर डिस्टेंस जो है क्लियर हो चुका है, तो चलो अब यार यहाँ से डिपार्ट करने के लिए तैयार होते हैं। गाइज अपने लोकोमोटिव के हॉर्न जो हैं मैंने बजा दिए हैं, तो चलो यार अब करते हैं यहाँ से डिपार्ट अपने वलसाड रेलवे स्टेशन से। गाइज यार तुम लोगों को एक एयर प्रेशर की आवाज़ आ रही है यार। देखो जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि कहीं मेरे लोकोमोटिव्स में खराबी ना हो जाए यार, कहीं ऐसा सच में तो नहीं हो गया, मेरे जो लोकोमोटिव्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली एयर प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी तुम लोगों को, देखता हूँ गाइस। गाइस मुझे लग रहा है आज नहीं मानेगा भाई ये, मुझे लग रहा है कि मैंने अपने लोकोमोटिव्स में शायद कुछ खराबी कर दी है यार। भाई मुझे लग रहा है इनको मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा, बट खैर गाइस अब देखो जैसा भी है चलाना तो पड़ेगा भाई। तो देखो थ्रॉटल पावर यहाँ पर थोड़ी सी और इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मुझे सिग्नल्स मिलते जा रहे हैं और मेन लाइन का मेरा डिपार्चर है, तो हम अपनी भवनगर से काकीनाड़ा जाने वाली ट्रेन को अच्छी खासी थ्रॉटल पावर के साथ डिपार्ट करवा सकते हैं। तो चलो बस 38% की थ्रॉटल पावर लगाते हैं। क्या बात है यार, गाइस देख रहे हो क्या शानदार रफ्तार से वो मालगाड़ी मेरा डिस्टेंस क्लियर करती जा रही है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे को सिग्नल्स मिलते जाएंगे। अब देखो अपना सफ़र जो है शुरू हो चुका है, वलसाड सिटी को हम बाय बाय कर रहे हैं, तो मैं अपने कैमरा एंगल इसने ठीक कर लेता हूँ। गाइस सच कह रहा हूँ यार, मुझे लग रहा है कि आज जो मेरे लोकोमोटिव्स हैं ना उनका पूरी वीडियो में एयर प्रेशर रिलीज होता ही रहने वाला है। अरे यार ये मैंने गाइस सच में कुछ खराबी कर दिया यार अपने लोको में। गाइस पता है इसीलिए जब भी लोको पायलट जो कि ट्रेन को ऑपरेट करने वाले होते हैं, मैं यहाँ पर रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से वो फोकस रहते हैं, मतलब शुरुआत से ही उनके शायद कुछ टेस्ट वेस्ट किए जाते हैं या वो अपना देखते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ सीन होता है। अब देखो अगर लोको पायलट फोकस नहीं होता ना तो ये सीन होते हैं। देख रहे हो मेरे जो प्रबल लोकोमोटिव है भाई वो रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी, उसकी एयर प्रेशर रुकने का नाम नहीं ले रही है। गाइस एक काम करते हैं, अभी तो यार जैसा भी है इसको मैं वापी तक लेके जाता हूँ, वापी रेलवे स्टेशन पर ये प्रबल लोकोमोटिव की थोड़ा सा ना चेकिंग करते हैं। और यहाँ पे यार थोड़ा सा ज़्यादा मैं बाहर आ चुका हूँ वलसाड रेलवे स्टेशन के, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ कर लेते हैं, एक काम करते हैं। अच्छा ये आप देख पा रहे होगे हमारे राइट साइड में ये वलसाड रेलवे स्टेशन का शायद इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड हो सकती है या लोको शेड हो सकती है, जैसा कि आपको पता है कि वलसाड के नाम से कुछ शेड भी हुआ करती हैं। क्या बात है यार, छगिंग साउंड सुन रहे हो। और गाइस देखो रूट की बात करूँ तो रूट मेरा आज का है खानदेश रूट, अगर आपको नहीं पता तो। वैसे यार इतनी सारी वीडियोस में मैंने खानदेश रूट बोल दिया, सभी को पता होगा यार, और इसके ओनर जैसे कि सभी आप जानते होंगे अपने रमेश महाजन जी। वैसे यार वलसाड अपडेट आ तो काफ़ी टाइम से गया था, बट मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तुम्हें पता है वलसाड अपडेट पर। गाइस आपको याद होगा लास्ट टाइम शायद मैंने पैसेंजर ट्रेन चलाई थी जो कि मेरा लास्ट स्टॉप रहा था दहानू रोड, तो शायद ऐसा कह सकता हूँ मैं कि आज की वीडियो में हमारा जो सफ़र होने वाला है वो वलसाड रेलवे स्टेशन से दहानू रोड का रहने वाला है। गाइस वैसे एक चीज़ दिखाता हूँ यार आज की वीडियो की सबसे बेस्ट चीज़, ये देखो जैसे ही मैं अपने कैफ्यू में आया हूँ भाई साउंड एक्सपीरियंस देख रहे हो,
क्या दमदार मिल रहा है। और विजुअल्स की तो खैर टेंशन ना लो, वो तो ऑसम होने ही वाले हैं। और देखो एक काम करते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बातों में मगन हुए, मेरा सिग्नल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हद तक होते जा रहे हैं और मैं अपनी ट्रेन को जो है स्पीड में नहीं लेके जा रहा हूँ। तो अब चलो इस ट्रेन को ना ज़रा लेके चलते हैं भाई इसकी रफ्तार पे। ICR ट्रेन है अपनी 110 की लिमिट है, तो 110 यार टच करते हैं अब। भाई डबल एल को मिले हैं, उनका अच्छे से यूज़ क्यों नहीं करूँगा मैं। अब देखो 100% थ्रॉटल पावर लगी है, सुन रहे हो जो छगिंग हो रही है। बट यार एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है आज की वीडियो में, और यहाँ पर देखो पहले तो मेरी क्रॉसिंग हो रही है तो उसको एंजॉय कर लेते हैं। भाई लुधियाना WDM3 है नॉन स्टॉप पहुँचिंग। तो गाइस यहाँ पर कोई ये WAP4, ओ भाई अच्छा ये आपकी मालगाड़ी है कोई जिसमें कि दूध जाता है, इसने हमें यहाँ पे क्रॉस किया। ये मालगाड़ी काफ़ी रेयर है, आपने देखा होगा पिछली की जितनी भी वीडियोस थी मेरी उसमें इसने हमें आज तक क्रॉस नहीं किया जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा यार देखो वो सब तो ठीक है, अभी मुझे थ्रॉटल पावर 25 यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड देखो 109 की रफ्तार जो कैच करी है भाई अपनी ट्रेन ने। और ये यार कोई रेलवे स्टेशन हम क्रॉस करने वाले हैं, अतुल रेलवे स्टेशन। लुधियाना WDM3 इस हॉन्किंग के साथ नॉन स्टॉप हॉन्क रहना चाहिए जब तक मैं इस रेलवे स्टेशन को पूरा क्रॉस नहीं कर देता। एंगज यहाँ पर यार कोई ट्रेन भी खड़ी है, देखो क्या बात है यार, तुम तो आज का विजुअल देखो। WDG4D गाइस किसी ICF ट्रेन के साथ, यार बड़े सारे जनरल कोचिज हैं इसमें, कोई पैसेंजर ट्रेन है क्या? मुझे नहीं पता गाइस, मे बी मेंटेनेंस के लिए जा रही हो या कोई पैसेंजर भी हो सकती है। क्या बात है यार, देख रहे हो अतुल रेलवे स्टेशन को क्या धमाकेदार तरीके से हमने क्रॉस किया है। गाइस आई एम रियली सॉरी यार, एक्चुअली गाइस मुझे लग रहा है अपना जो लखनऊ का WDM3 है ना यार, इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इशू हो गया है। इसका भाई एयर प्रेशर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर वो सब तो ठीक है, मेरा आगे यार 90 की कॉशन लगा पड़ा है, कोई ब्रिज आ रहा है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपनी ट्रेन को यार स्लो करना पड़ेगा। तो चलो अपनी ट्रेन को स्लो करते हैं यहाँ पे। क्या बात है यार आज का तो तुम ट्रैक साउंड भी सुनना। तो गाइस 90 की स्पीड यहाँ पे चलो अब मेंटेन करते हैं, 13% की मैं थ्रॉटल पावर लगाता हूँ। भले ही मैं काफ़ी टाइम से ये गेम ना खेला हो बट जब मेरे हाथ में भाई एल्को आता है ना मैं मचा देता हूँ अच्छे से। ओए हो क्या बात है, जो भाई ये किसी ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं ना, तुम देख लो, तुम विजुअल देख लो, क्या बात है मेरी जान। लुधियाना ने गाइस आज तो लगा दी आग। एंड गाइस किसी रेलवे स्टेशन को हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, पर्दी रेलवे स्टेशन। गाइस ये देखो यार कोई मालगाड़ी ऑपोजिट लूप पे खड़ी है पर्दी रेलवे स्टेशन में, और अपनी MPS मेरे को वापस मिलने वाली है। तो एक काम करता हूँ अपने लोकोमोटिव की थोड़ी सी थ्रॉटल पावर यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, एक काम करते हैं 50 लगा देते हैं। ये देखो ये इसके लोकोमोटिव्स देख रहे हो इस साइड लगे हैं। गाइस यहाँ पे एक और मालगाड़ी, भाई ये देखो ट्रिपल WAP4 भाई। SECR की हरकतें वेस्टर्न रेलवे में। SECR आपको पता है क्या है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि एक जोन है अपने भारतीय रेल में, वहाँ पर मालगाड़ियों पे भाई ऐसे WAP4 देखने के लिए मिल जाते हैं। तीन तीन WAP4 एक बॉक्सन मालगाड़ी को खींच रहे हैं। और ये सीन गाइस मैंने सोचा यार इतना बढ़िया है तो क्यों ना अपने वेस्टर्न रेलवे में ट्राई किया जाए। तो देखो आज भाई वेस्टर्न रेलवे में अपने को 3 WAP4 एक मालगाड़ी के साथ दिखे हैं। बट खैर वो सब ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अपनी मैक्स 100% थ्रॉटल पावर लगाता हूँ। एज आप देख पा रहे होगे अपना जो लिमिट है वो 130 की मिल चुकी है, बट ट्रेन तो मैं पता है 110 है, तो 109 पर जाते ही अपने थ्रॉटल पावर को स्ट्रेट 100 से करेंगे 25। गाइस यार मैं तो अपने लखनऊ WDM3A से अभी परेशान हो रहा हूँ यार, मुझे डर लग रहा है गाइस कहीं मेरी ट्रेन में यार और ख़राबी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका वो एयर प्रेशर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे पता है आज की जो वीडियो है ना उसके कमेंट सेक्शन में भाई एयर प्रेशर स्पैम होने वाला है। भाई क्या खा लिया ऐसा। अरे ये देखो यार 20921 बांद्रा से लखनऊ के लिए वीकली सुपरफास्ट। गैस ये किसी LHB ट्रेन ने हमें यहाँ पे क्रॉस किया। अच्छा किसी की है यार, बांद्रा से लखनऊ जा रही है वो।
और किसी वेब 7 के साथ भी क्या क्रॉसिंग रही यार। गाइस देख रहे हो क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है यार आज का। गाइस राइट नाउ अपनी ट्रेन किसी उदावड़ा स्टेशन को यार यहाँ पे क्रॉस कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो थ्रॉटल थोड़ा डिक्रीज करता हूँ यार। नॉन स्टॉप हॉकिंग रहने वाली है भाई। लखनऊ WDM3 है, थोड़ा सा शांत हो जाए यार, मेरे को फोकस करने दे भाई अपनी वीडियो पे। ये नहीं मानेगा भाई, इसको इतना वापी पे जाके मुझे सही करना ही पड़ेगा। एस गाइस मुझे जहाँ तक पता चला है, जो अपने आगे मालगाड़ी नहीं निकली थी वलसाड रेलवे स्टेशन पे, उसको कहीं ना कहीं वापी रेलवे स्टेशन की जो लूप लाइन है वहाँ पर रखवा दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है। और ये देखो उदावड़ा की आउटर पे कोई मालगाड़ी को रुकवाया गया है, डबल बैक 7 इसमें लगे पड़े हैं। WDM3 है भाई, हॉकिंग कौन करेगा? मैं कर सकता तो भाई मैं कर देता, बट गाइस देखो यार मैं ट्रेन चला रहा हूँ। मैं ट्रेन के अंदर अगर बैठ के सीटी बजाऊंगा तो मैं लगता है सामने किसी को आवाज़ जाएगी, बस तुमको जा सकती है और फिर तुम मेरे पीछे पड़ोगे कि बेशरम हमको देख के भाई सीटी बजा रहे हो। क्या बात है यार, कितना रियलिस्टिक लग रहा है अपना गेम प्ले। चगिंग सुन रहे हो, क्या शानदार हो रही है। अच्छा ये देखो पानी की बोतल रखी है यार यहाँ पे, कहीं गिर ना जाए यार, गिर गई तो यहाँ पे पूरा पानी फैल जाएगा यार मेरे WDM3 में। गाइस यार मजाक की भी हद होती है, तुम्हारी एक पानी की बोतल है और तुम कह रहे हो पानी फैल जाएगा, कितना फैलेगा यार। अच्छा ये आप देख पा रहे होगे, अभी फिर से किसी रेलवे स्टेशन को अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है। ओ भाई ये क्या था, पीछे कौन सा रेलवे स्टेशन मैंने क्रॉस किया? उदावड़ा। यहाँ देखो बागावड़ा, देख रहे हो, मतलब नाम में कुछ मेहनत नहीं करी है भाई जिसने भी ये लिखे हैं, उदावड़ा बागावड़ा हो गया। हाँ क्या बात है यार। अच्छा यहाँ पे कोई लेवल क्रॉसिंग भी आ गई थी यार, और शायद अनमैनेड थी। गुरु ये क्या कर रहे हो यार, रूट में आपने अनमैनेड लेवल क्रॉसिंग लगा रखी है। वैसे ही ऑटो वाले मेरी ट्रेन के अंदर से भाग जाते हैं जब वहाँ पे फाटक रखा होता है आपने, यहाँ तो फिर अनमैनेड कर रखा है, अब किसको निकलवाने वाले हो भाई मेरी ट्रेन के अंदर से। गाइस अगर आपको ये रेफरेंस नहीं पता तो आप एक वीडियो देखना मेरी, कौन सी थी यार, अरे यार मैं खुद ही भूल गया मेरी कौन सी वीडियो थी, शायद लास्ट वीडियो थी यार। अच्छा यहाँ पे किसी हम, ये क्या है यार, रिवर है या क्या है? एक तो गाइस यार अब मेरे को पता नहीं चलता। अभी देखो राइट साइड में ये कोई फैक्ट्री है, मे बी इसका वेस्ट यहाँ पे जाता हो तो उसकी वजह से भाई ये कोई नदी बन गई हो या झील बन गई हो, सॉरी। अच्छा गाइस एक चीज़ देखो, ट्रैक मॉनिटर में तुमको एक एरो दिख रहा है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन का बन रखा है। मैंने क्या बताया था, अपना वापी रेलवे स्टेशन पास आ रहा है और उसी रेलवे स्टेशन पर उस मालगाड़ी को लूप करवाया गया, मेरे आगे ही चल रही है। तो मेरे सिग्नल देखो यहाँ पे अभी मुझे डबल येलो दे रखा होगा। एक तो यार मेरे कोई असिस्टेंट लोको पायलट नहीं है यार, मैं गाइस फ्यूचर में ट्राई करता हूँ यार अपना कोई असिस्टेंट लोको पायलट आ जाए, मेरे को मज़ा आ जाएगा यार, फिर ना मतलब अलग ही लेवल एक्सपीरियंस रहने वाला है। वो भाई मेरे को बता देगा ना आगे वाला सिग्नल क्या है, एज आपका जो मूवमेंट रहता है लोको पायलट्स का और असिस्टेंट लोको पायलट्स का, वो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि क्या क्या सीन हो रहा है, आगे आपका सिग्नल क्या है या कहाँ पर आपकी ट्रेन पहुँच रही है। एज मैंने एक बार लोको में जो है राइड किया था तो मुझे पता है, बट देखो अपना जो रेड सिग्नल है वो 4 किलोमीटर के बाद है, तो एक काम करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे थ्रॉटल पावर लगा लेते हैं। यार एक काम करता हूँ मैं बाहर जाता हूँ ज़रा, वरना आज भाई कहेंगे यार आज तो आपने पूरी वीडियो अपने कैब व्यू में ही निकाल दी। यार क्या करूँ मैं जब कैब व्यू में गाइस ट्रैवल कर रहा हूँ ना, इतना यार शानदार जो है साउंड एक्सपीरियंस हो रखा है ना मेरा, क्या बताऊँ बस, एकदम रियलिस्टिक गेम प्ले। बट खैर अभी देखो यार क्या शानदार ट्रैक साउंड हो रही है, अपनी छगिंग हो रही है। और ये सुनो तुम भाई, वापी के आउटर पे क्या एंट्री मारी है मैंने, सिग्नल देख रहे हो, आगे वाला मेरा डबल येलो है और मैं 100 के अराउंड पे जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे मेरी कोई क्रॉसिंग हो रही है, 19027 बांद्रा से जम्मू तवी के लिए जाने वाली विवेक एक्सप्रेस। ओ भाई इसका ये लिंक क्या कर रखा है भाई, गाइस ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है, डीजल दे रखा है भाई, क्या बात है यार। क्रॉसिंग देख रहे हो क्या शानदार रही है, ट्रैक साउंड खटाखट। और खैर वो सब तो ठीक है भाई, WDM3A20 सब ब्रेक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तो गाइस यार ट्रेन को यहाँ पे मैंने स्लो तो कर लिया है काफ़ी, एक काम करता हूँ 60 के अराउंड पे मैं वापी रेलवे स्टेशन पे एंट्री कर देता हूँ। यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा यहाँ पे रेड सिग्नल क्यों है। अच्छा हाँ मैंने यार अपनी लोकोमोटिव में जो खराबी हुई है
उसको सही भी तो करना है मेरे को वहाँ पर। अब यार कहीं पे आउटर पे ही तो अपनी ट्रेन को मैं खड़ा करके उसको सही नहीं कर सकता ना। तो भाई लखनऊ WDM 3 है, चलो यार तुम्हारा अब यहाँ पे घर आ चुका है, मतलब घर तो नहीं, घर तो तुम्हारा नवाबों का शहर है लखनऊ, वापी रेलवे स्टेशन पे यार तुमको सही करवाया जाएगा अपना। गाइस यहाँ पे रेड सिग्नल है, मुझे नहीं पता कब तक मुझे यहाँ पे रुकवाया जाएगा, बट जब तक मेरा ये लोको सही नहीं होता है आई होप तब तक मुझे यहाँ पे रुकने की परमिशन दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जाएगी यार, अपना गेम है, मुझे वो सिग्नल दे भी दे मैं तब भी ट्रेन रोक के रखूँगा। बट खैर भाई मेरे पहले ट्रेन को तो रोकने के लिए तैयार रहो, रेड सिग्नल काफ़ी करीब आ रहा है और गाइस मैं अपनी ट्रेन को जाने दे रहा था यार। तो चलो यार 20 की स्पीड यहाँ पे पहले हम मेंटेन करते हैं भाई। अच्छा गाइस एक चीज़ देख रहे हो, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो मालगाड़ी दिख रही है, मैंने क्या कहा था वापी रेलवे स्टेशन पर इसको लगवा दिया जाएगा लूप में। भाई एक चीज़ नोटिस करो यार, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेन को लाकर तो रोक दिया है, मेरा रेड सिग्नल है, कहीं इसको यार प्रायोरिटी तो नहीं दे दी जाएगी कि हाँ यार अभी इस ट्रेन को तो यहाँ पे ही रोकेंगे तो तुम इतने आगे चली जाओ, ऐसा मत करवाना यार। ओए होए होए मेरी जान, तुम ब्रेक साउंड सुनो। तो चलो गाइस अपनी ट्रेन को यार यहाँ पे मैं रोकता हूँ और पहले तो इसको सही करता हूँ यार ये लोको में जो खराबी हुई है। तो चलो लोको पायलट की सीट पे आ चुके हैं, कैप चेंजिंग डिसेबल, अच्छा चलो न्यूट्रल पे करते हैं पहले इसको, हो गया ना भाई शांत। ओए होए होए मेरी जान, मैं बैठे बैठे इंजीनियर बन चुका हूँ और बताओ। देख रहे हो गाइस अपना भाई मैंने लखनऊ WDM 3 को सही कर दिया है। तो चलो अब वापस से अपने लोको में चलते हैं। अच्छा ये देखो यार कोई ट्रेन भी यहाँ पे खड़ी है, HCPV हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, अपनी नासिक बोल रहे हैं, सॉरी नासिक की याद आ गई यार। भाई ये क्या था, हाँ डरा दिया भाई यार, लखनऊ WDM 3 ऐसे मत कर भाई, अब मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर अब मैंने तेरी वो एयर प्रेशर की आवाज़ सुन ली। तो देखो गाइस सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रखा है, हरा हो रखा है, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी तो नहीं 1 मिनट हुआ होगा या 30 सेकंड बस। भाई हॉर्न सुना यार कितना शानदार था। तो चलो रिवर्सर फॉरवर्ड में लगाते हैं और देखो मेन लाइन का डिपार्चर है तो मैं यहाँ पे 25% थ्रॉटल पावर लगा देता हूँ। ओए होए होए ट्रेन बस अपनी जगह से हिली है, तुम तो आवाज़ सुनो अपने लोको की। चलो भाई अपने पैसेंजर व्यू में आ जाते हैं और वो देखो अपनी ट्रेन के मैं इस डोर पे खड़ा हूँ, उस डोर से पीछे की साइड देखो अपना वापी शहर भी देख सकते हो और ये मालगाड़ी भी देख सकते हो। बस गाइस अपनी ओपन रेल्स का ना यार थोड़ा सा ग्राफिक्स जो है रेलवर्क्स जैसे हो जाते तो कहीं मैं कहता हूँ कि यार क्या बात है अपने को और मज़ा आ जाता। बट खैर अपना ओपन रेल्स भी कम नहीं है यार, तुम देखो क्या शानदार लग रहा है यार, सही स्पीड कैच कर रही है अपनी ट्रेन। वो सब छोड़ो तुम ये देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ये लोकोमोटिव्स की शेड, गैस करना कौन सी होगी मैं बताऊँ, मालदा टाउन। भाई कहाँ से लोकोमोटिव कहाँ आ रखा है। बट खैर गाइस अपने भी लोकोमोटिव बहुत दूर से आए हैं यार, दोनों के दोनों लोकोमोटिव जो है नॉर्दर्न रेलवेज की तरफ से हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी यार पावर और बढ़ाते हैं, एक काम करते हैं 50% लगाते हैं। ओए होए 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 क्या बात है, तुम भाई साउंड एक्सपीरियंस देखो। अच्छा गाइस यार एक काम करता हूँ आज की वीडियो में ना मैं ज़्यादा ट्रिम नहीं करूँगा, इससे क्या होगा कि मेरा जो गेम है उसकी साउंड भी आपको ज़्यादा सुनने मिलेंगी। एक्चुअली यार मैंने कमेंट्स नोटिस करी थी, सॉरी गाइस यार मैं कुछ कमेंट्स का ना कुछ क्या काफ़ी वीडियोज़ की कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ और मैं क्यों नहीं कर पाया हूँ यार, शायद मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा या फिर शायद मैं देना नहीं चाहता, समझ जाने यार मेरी सिचुएशन क्या है बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता इसके आगे क्योंकि मैं कुछ भी यार कहने की ना पोजीशन पे नहीं हूँ सच में। बस भाई अभी मेरे को गेम पे फोकस करने दो और कमेंट्री पे फोकस करने दो अपना, जैसे कि देख पा रहे हो। अच्छा अपना नेक्स्ट स्टॉप की तो मैंने बात ही नहीं करी यार, गाइस एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, वलसाड से ट्रेन निकल रही है कहाँ जाके रुक रही है, वसई रोड। इस सेक्शन में तुम्हें पता ही है जैसे कि तेजस एक्सप्रेस भी चलती है, डबल डेकर एसी एक्सप्रेस भी चलती है और कितनी सारी ट्रेन्स चलती हैं प्रीमियम में, उन ट्रेन्स को वापी जैसे रेलवे स्टेशन पे जहां मैंने पीछे अपना लखनऊ WDM 3 सही किया वहां पर इसको स्टॉप नहीं दिया गया है बट उन ट्रेन्स को स्टॉप दिया गया है। तुम सोचो बस एक बार, मतलब देख रहे हो यार क्या शेड्यूल लेके चलती है ट्रेन, शेड्यूल नहीं आई मीन टाइम टेबल, मतलब उन प्रीमियम ट्रेन्स को इसने पीछे कर रखा है। भाई देखो 80 की स्पीड यहाँ पे लग चुकी है भाई मेरी, हो चुकी है और मैंने 100% थ्रॉटल पावर नहीं लगाई थी, वो मुझे 50 की अराउंड पे लगा देनी थी बट यहाँ पे थोड़ा तुम लोगों से मैं बात करने मगन हो गया ना भाई तो भूल गया। बट खैर वो छोड़ो यार अपने स्मोक पे तुम नोटिस कर रहे हो क्या धुआं उड़ा के जा रहा अपना भाई, घर एक तो ना मेरा FPS यार काफ़ी डाउन जा रहा है।
जहाँ तक मुझे लग रहा है 30 अराउंड है, 30 छोड़ो भाई 25, WDG 60, क्या बात है। तो गाइस देखो यहाँ पे WDG 60 ये मालगाड़ी के साथ हमें यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, कहाँ पर, वापी रेलवे स्टेशन के आउटर पे। ओए 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 क्या बात है, ये हुई ना भाई क्रॉसिंग, ये दमदार 6G अपनी मालगाड़ी के साथ अपना यहाँ पे लुधियाना और लखनऊ ट्विंस अपनी गाड़ी के साथ ऑलमोस्ट भाई 100 के ऊपर। और तुम हॉन्किंग सुनो, आज नहीं मानेंगे भाई अपने, आज ये नॉर्थ के शेर रुकने नहीं वाले हैं, सबको बताएंगे कि हाँ भवनगर से खकेनाड़ा जाने वाली ट्रेन हम लेके गए हैं। तो चलो यहाँ पे 110 टच होने वाली है, 25 लगाता हूँ यार। अच्छा ये देख रहे होगे राइट साइड में, यार आज सारी मालगाड़ी ऑपोजिट लाइन पे क्यों लगी पड़ी हैं? आपने देखा होगा दो मालगाड़ी को मैं ओवरटेक कर चुका हूँ, बट खैर एक और को किया था अभी वापी पे, बट वो अपनी सही थी, बट ये मालगाड़ी ऑपोजिट लाइन पे लगी पड़ी है यार। तुम्हें पता है अब इनको जब अपनी वाली ट्रैक पे लाया जाएगा ना, तो इनकी वजह से ऑपोजिट लाइन जो है मेन लाइन उसका ट्रैफिक ब्लॉक लग जाएगा। बट खैर कोई बात नहीं, रेलवेज बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ही भाई किसी को भी नहीं रख लिया जाता रेलवेज में, जब ऐसा कुछ करना होगा तो वो ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि जो ऑपोजिट लाइन है मेन लाइन उस पर ट्रैफिक कम हो, उस टाइम पर ही इन मालगाड़ियों को यहाँ से हटवाया जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है आगे से राजधानी आ रही है और उसको रुकवा देंगे इसको निकालने के लिए? नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। और देखो यहाँ पे करम्बले स्टेशन को आ रहा है तो इसको थोड़ा हॉन्क करके क्रॉस करते हैं। और स्पीड भाई स्पीड छोड़, ट्रैक मॉनिटर, ये मेरा लेफ्ट को ये तो उंगली क्यों दिखा रहा है मेरे को, मुझे गुस्सा आ रहा है भाई। मैं करम्बले को ना नॉन स्टॉप हॉन्किंग के साथ क्रॉस मारूंगा मेरी जान। गुस्सा छोड़ो यार, ऐसी हॉकिंग रहेगी ना और इतना तगड़ा रन रहने वाला है, इतना शानदार ट्रैक साउंड। गुस्सा नहीं भाई, फिर खुशी है एक्चुअली में, क्योंकि मैं स्माइल कर रहा हूँ अभी। और क्या सीनरी देखो यार गुरु, सीनरी बहुत तगड़ी करती है, मेरा 1060 नहीं झेल पा रहा है। मुझे लग रहा है आप करवाओगे अच्छी खासी परचेज। गाइस ये देखो कोई क्रॉसिंग हो रही है, WDG 4G BLC। अच्छा ये आपकी BLC फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ी ने यहाँ पे हमें क्रॉस किया है। क्या बात है यार, अभी 6G की और अभी 4G। भाई तुम ये देखो, जब अपना FPS 30 के अराउंड जाता है ना और ट्रेन अगर 110 के करीब हो, ऐसा लगता है भाई 130 या 140 जा रही हो। और देखो गाइस वो सब भी ठीक है, यहाँ पे यार मेरा देखो सभी को पता होगा यहाँ पे एक कर्व आता है भाई, कर छोड़ो यार सीनरी देखो भाई, गुरु ने ना मचा दी है, आग लगा दी है भाई, क्या सीनरी है यार। इसको देख के एक अलग ही खुशी हो रही है मेरे को लिटरली गाइस, ऐसी सीनरी भाई कहीं नहीं मिल सकती। बट गाइस इस सीनरी को यार अब मेंटेन करने के लिए ना ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर रैम भी अच्छे से चाहिए। बट खैर वो सब छोड़ो यार, यहाँ पे ना थोड़ी मैं स्पीड जरा मेंटेन करता हूँ अपनी, 64 कर लेते हैं। मेरा फ्रेम रेट भाई खांडे शूट क्या हुआ भाई, इतना मेरा फ्रेम रेट मत खाओ यार। मेरा फ्रेम रेट खाने वाली कोई चीज़ है, देख रहे हो गाइस मेरा फ्रेम रेट कितना गिर गया था यहाँ पे। ये यार इतनी सारी घास है यहाँ पे, ये घास को खा ले भाई CPU, मेरी फ्रेम रेट क्यों क्यों खा रहा है? बट खैर गाइस ऐसा नहीं कर सकते। और ये आप देख पा रहे होगे अपना यार लूप लाइन पे लगा दिया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। 12925 पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये गाइस कोई वैप 7 अपनी पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ मुझे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। क्या बात है यार, ट्रैक साउंड सुन रहे थे क्या, शानदार कर रही थी पश्चिम। मेरी थ्रॉटल पावर कितनी है, चलो वो 0 है। गाइस ये देखो यार यहाँ पे जो सिग्नल है ना, इसका जो एक मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा पास आ जाए। तुमने एक चीज़ देखी थी, ये वाइट लाइन बन रखी थी थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड को, ये देखो ये तीन जो लाइन्स नहीं बनी है, ये आपको इंडिकेट करती हैं कि कौन सी ट्रैक पे आपको लगवाया जा रहा है। चलो 27 की यहाँ पे स्पीड हो चुकी है, 13% की थ्रॉटल पावर पे यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ अपनी ट्रेन को। और ये भिलाड़ रेलवे स्टेशन पे ये देख पा रहे होगे आप मालगाड़ी खड़ी है, भाई मालगाड़ी खड़ी है वो छोड़ो, इसका तो ट्रैक स्विच यार इतना उस पर था, ट्रैक स्विच के ऊपर ये मालगाड़ी खड़ी थी। अब मुझे ये बताओ कि ये मालगाड़ी यहाँ पे फिट कैसे हुई भाई, इसको रिवर्स करवा के यहाँ पे लगवा दिया गया इस ट्रेन के लिए, ये क्या हो रहा है भाई? पता नहीं गाइस, बट भिलाड़ रेलवे स्टेशन पे
फिर से ये जो आप हमारी मालगाड़ी है ऑपोजिट लाइन पे खड़ी करवाइएगा भाई। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये खड़ी कैसे करवा दी है, क्योंकि ट्रैक स्विच ही तुम लोगों ने देखा ना कैसा हो रखा था। बट खैर यहाँ पे थोड़ी सी हॉन्किंग कर लेता हूँ यार, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन भिलाड़ जैसे कि आप देख पा रहे हो, मुझे नहीं पता इसकी लूप लाइन में मुझे क्यों लगवाया जा रहा है, बट लगवाया जा रहा है। तो चलो गाइस थोड़ा सा यार ब्रेक लगाता हूँ, क्योंकि जो सिग्नल है वो थोड़ा ज़्यादा पास आ रहा है यार। मेन लाइन से अपनी ट्रेन हट गई क्या? जी हाँ हट चुकी है। और देखो मेन लाइन से ट्रेन मेरी हटी है, सिग्नल देख रहे हो मेन लाइन का हरा, क्या बात है यार। तो चलो यहाँ पे 100 मीटर की दूरी बची है अपने सिग्नल की, ब्रेक लगाते हैं पहले तो अच्छे से और ट्रेन को रोकते हैं यार। ओए होए 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 होए, तुम चीखे सुन रहे हो भाई ब्रेक्स की, मतलब जब मैं अपनी ट्रेन को रोक रहा हूँ ये होता है यार ब्रेक साउंड, मतलब मचा दिया पूरे भाई एक्सपीरियंस। तो चलो अब यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन मुझे ओवरटेक करने के लिए आ रही है। पता नहीं यार कौन सी ट्रेन को लगा दिया होगा, देखते हैं जब आएगी तभी पता चलेगा। एक काम करता हूँ गाइस, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर रहता हूँ यार। गाइस कोई ट्रेन आ रही है यार, 222-10, क्या बात है यार, अपनी नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जाने वाली नाइट राइडर। ओए होए होए मेरी जान दुरंत, ओ भाई ये क्या है 777। गाइज अपनी यार दुरंतो एक्सप्रेस मुझे ओवरटेक तो करके चली गई, इस पर 2 वेब 7 लगे पड़े थे इसका, गाइज मुझे लग रहा है लोको फेल हुआ होगा। अच्छा और गाइज यही बात है, क्योंकि इस ट्रेन का जहाँ तक है जितना भी शेड्यूल है जितना भी टाइम टेबल है कहीं भी भाई ओवरटेक, ओ भाई ओवरटेक छोड़ मेन लाइन का सिग्नल देख, ये भाई ये ऑटो वाले देख रहे हो सामने जाते हुए, ये सबसे बड़े स्पैम करते हैं भाई, घुस जाते हैं ट्रेन में। बट खैर वो छोड़ो यार, मेन लाइन का सिग्नल देखो येलो हो रखा है, मतलब नाइट राइडर मेरे को ओवरटेक करके गई है, उसके पीछे एक और ट्रेन चल रही है और मुझे नहीं पता कौन सी चल रही है, उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दे दी गई है। कहीं इसी वजह से तो भाई मालगाड़ी को यहाँ पे नहीं लगवा दिया गया कि रिवर्स करके लगवाएंगे, पर ट्रेन्स का तो जो ट्रैफिक है वो क्लियर करवा के रहेंगे। ओ भाई लेवल क्रॉसिंग वालों ये सिग्नल येलो हो रखा है, बंद कर दो वो, वरना डबल येलो हो गया यार, क्या बात है। वरना देखो ये ऐसे ऑटो वाले भाई ट्रेन के अंदर से जाते रहेंगे। अच्छा ये देखो यार ये जो मालगाड़ी है इस पर भुसावल शेड के लोगों लगे पड़े हैं। पहले तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा पीछे करके देखता हूँ यार कौन सी ट्रेन आ रही है। चलो गाइस अपने कैमरा को यार थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ। ओ भाई सिग्नल ग्रीन हो गया यार, और शायद फाटक भी क्लोज हो रहा था। कौन सी ट्रेन आ रही है? वैग 9 बॉक्सन कोल। मैं सच कह रहा हूँ अगर तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते ना, मेरे मुँह से ना पता नहीं क्या निकलने वाला था भाई। वो छोड़ उसकी स्पीड देख, स्पीड देख मालगाड़ी की, स्पीड देख 100 है पूरी। गाइस मालगाड़ी ओपी इन द चैट भाई, चैट सॉरी कमेंट बॉक्स, मालगाड़ी ओपी इन द कमेंट बॉक्स भाई। गाइस 100 के अराउंड ये मालगाड़ी को याद है ना मैंने कहाँ ओवरटेक किया था? वापी रेलवे स्टेशन पे ओवरटेक करके आया हूँ इसको, दुरंतो एक्सप्रेस के पीछे लगवा दिया है भाई, 100 के अराउंड लेके जा रहा है वैग 9। अरे फाटक फिर से क्यों बंद हो रहा है? ओ भाई ये ऑटो वाले को देख, ये मतलब भाई लेवल क्रॉसिंग बंद हो गई है, उन्होंने नहीं मानना, उन्होंने फिर भी जाना है भाई। लोग यूं ही नहीं कहते कि ये ई रिक्शा और ऑटो वाले से अपने को बहुत डर लगता है रोड्स पर, वो कहीं भी घुसेड़ सकते हैं, साक्षात एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। और यहाँ पे कोई और ट्रेन भी आ रही है 222-498 TPJ तिरुचिरापल्ली, जहाँ तक मुझे पता है SGNR अपना श्री गंगानगर के लिए हमसफ़र एक्सप्रेस किसी WAF4 के साथ, क्या? ओ यार नहीं यार, गैस तुम क्रॉसिंग एंजॉय करो फिर मैं तुम्हें अपना दुख सुनाता हूँ यार। यार भिलाड़ रेलवे स्टेशन पे कुछ अलग ही लेवल ट्रैफिक नहीं हो रहा अपना? बट खैर गैस जो भी हो हम तो इन्जॉय कर रहे हैं। तो मेन लाइन का सिग्नल देखना फिर से क्या हो रखा है येलो भाई। भवनगर से काकीनाडा जाने वाली ट्रेन का टाइम टेबल ऐसे नहीं है भाई, प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, सही चलती है, इतना ओवरटेक नहीं देना होता। ओपन रेल्स ने गाइस बहुत ही अलग लेवल जो है ना कंट्रोलिंग कर दिया आज। तुम देखो दुरंतो से चलो ओवरटेक बनता है, वो 130 जा सकती है ट्रेन,
उसके पीछे जो मालगाड़ी है, खैर उसके लिए तो क्या ही बोलूं, वो तो अलग ही लेवल भाई, बॉर्नविटा पी के भाग रही है, 100 के अराउंड मुझे ओवरटेक करके गई। फिर से यहाँ पे सिग्नल हो चुका है डबल येलो। चलो देखता हूँ अब कौन सी ट्रेन मुझे ओवरटेक करके जाने वाली है। तो गाइस ये कोई एक और ट्रेन यार एकदम से आती हुई मेरी तरफ, मतलब मेन लाइन पे, 12926 पश्चिम सुपरफास्ट। ओ पैंस की पूछे 130। अरे खतरनाक यार, ट्रैक साउंड सुन रहे थे क्या? ओवरटेक मार के गई है यार पश्चिम अपने को। गाइस जहां तक मुझे लग रहा है मेरे को सिग्नल मिलने वाला है यार। ओपन रेल्स तू और कितना वेट करवाएगा यार मेरे को लूप लाइन पे? दे दे भाई सिग्नल जाने का, बच्चे की जान लेगा क्या? चलो भाई क्या देखो यार, ऑलमोस्ट 10 मिनट मुझे यहाँ पे लग चुका है। मेरी ट्रेन अगर 10 मिनट से यहाँ पे खड़ी थी तो तुम लोगों को पता है कि जो लोग हमारी ट्रेन में सफ़र करते हैं उनमें अलग ही लेवल की चिल्ल मची रहती है। कहीं ट्रेन रुकी नहीं कि वो बाहर पहुँच जाते हैं, फिर चाहे जंगल में ही क्यों ना खड़ी हो ट्रेन। एक काम करता हूँ गाइस, अभी 13% थ्रॉटल पावर रहने देता हूँ। वाह क्या शानदार ट्रांजिशन, मतलब हरे से सिग्नल जब आपका ग्रीन हुआ। एक काम करते हैं गाइस, अब इधर वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं। और अरे यार यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग थी, थोड़ा सा हॉर्न बजा देते हैं। क्या बढ़िया लग रहा है यार आज का व्यू। तो चलो गाइस थोड़ी सी और थ्रॉटल पावर इंक्रीज कर लेते हैं यार, वरना लूप लाइन से मेन लाइन पे निकलते निकलते मेरे सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे और पश्चिम मेरे लिए अच्छा खासा जो डिस्टेंस है क्लियर कर देगी। बट खैर यही तो अपना यार सही रहेगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस मेरे लिए क्लियर कर सकती है तो 110 का जो अपना रन है गाइस अच्छा खासा मेंटेन होगा। क्या बात है यार, चकिंग साउंड सुन रहे हो? अच्छा गाइस भिलाड़ रेलवे स्टेशन से जब निकलते हैं ना तो बाहर की साइड है यार जो ट्रैक है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे अपनी ट्रेन को ग्रेडियंट मिलने वाला है। अभी तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यार यहाँ पे थ्रॉटल 13% कर लेता हूँ। बट जैसे ही मेरा जो लास्ट कोच है ना मेन लाइन पे टच होगा तो 50% थ्रॉटल पावर लगा के अच्छे से डिपार्ट करते हैं, मतलब डिपार्ट के यार आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो गाइस ये अपना लास्ट कोच भी आ चुका है मेन लाइन पे। चलो भाई आते हैं अपने लोकोमोटिव्स पर। यार एसी कोच के अंदर आ चुका हूँ मैं। एंड गाइस थोड़ा सा ना यार अभी ये डार्क हो रखा है तो इस चीज़ को इग्नोर करना। एक्चुअली ये कोचेस तो रोल आउट हो गए हैं अपने ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के ICF कोचेस, बट इनका जो पैसेंजर व्यू है ना वो अभी नहीं आया है। ये आपको जो बाहर से दिखते हैं कोचेस वही अंदर से ही दिखाया जाता है पैसेंजर व्यू पे। यार एसी कोच के डोर पे रहूं क्या? बट आगे वाले पे चलते हैं। ये गाइस मुझे लग रहा है फर्स्ट एसी है भाई। तो चलो यहाँ पे थोड़ी सी और थ्रॉटल पावर फुल लगा देते हैं यार। पूरी ट्रेन अपनी जैसे कि सभी को पता है ग्रेडियंट पे है, देख सकते हो आप लिमिट जो 130 लिखी है उसके नीचे देखो ऑटो सिग्नल के आगे जो डिजिट्स दिखाई देती हैं वो इंडिकेट करती हैं आपकी ट्रेन किसी ग्रेडियंट पे ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। और मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे मेरी क्रॉसिंग लगने वाली है तो हॉन्क करते हैं अच्छे से। ये गाइस कोई वैग 9 मालगाड़ी के साथ, क्या बात है यार। यार कितने सारे वैगन्स हैं इस पे यार, काफी टाइम हो गया हम अपने कैब व्यू में नहीं गए ना। एक काम करते हैं गाइस अभी ना कैब व्यू में चलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस फिर से अपनी भवनगर से काकीनाड़ा जाने वाली ट्रेन 100 के ऊपर जा चुकी है, 105 हिट कर गई, क्या बात है यार। अभी मैं एक काम करता हूँ थ्रॉटल पावर अब लगाते हैं 38%। और एक काम करते हैं गाइस इसी पे जाने देते हैं। देखो मैंने बताया था ICF की लिमिट 110 है, बट यार क्या हुआ ना भिलाड़ रेलवे स्टेशन पे जैसा कि सभी ने देखा सिग्नल मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई। पता नहीं यार आज की प्रायोरिटी मेरी कैसी हो रखी है। पहले मुझे वलसाड रेलवे स्टेशन के आउटर पे वो सिग्नल के लिए रुकना पड़ गया था, खैर वो तो आपने थोड़ा सा ही देखा जब से मेरी वीडियो शुरू हुई थी तब तो मुझे सिग्नल मिल गया था, और उससे पहले मुझे वहाँ पे रुकना पड़ गया था। तो गाइस अभी 38% थ्रॉटल पावर मैं लगे रहने दूंगा ताकि मेरी जो ट्रेन है वो 115 के करीब चलती रहे। गाइस यार 115 तो ठीक है, बट अभी जो मेरी ट्रेन है ना वो ढलान पर है तो स्पीड बढ़ रही है यार हद से ज़्यादा। 115 छोड़ो 110 पे ही जाते हैं अभी। जब फ्लैट सरफेस आएगा ना तभी भाई 38% थ्रॉटल पावर लगाएंगे, अभी तो छोड़ देते हैं जीरो। अभी तो हॉन्ग करके चलते रहते हैं अपने वसई रोड की तरफ। एक तो गाइस वसई रोड पता है ना कहाँ है? सीधा भाई ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि मुंबई के कॉर्नर पे। आप ऐसा समझो मुंबई में जैसे ही आप एंट्री कर जाते हो तो सबसे पहला स्टॉप आपका वसई रोड है, आप ऐसा कह सकते हो। बट एनीवेज गाइस ज़्यादा यहाँ पे सीरियस मत होना भाई, मुझे पता है कि वसई रोड से मुंबई सेंट्रल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है। क्या बात है यार सीनरी कितनी शानदार हो रही है। गाइस यहाँ पे यार फ्लैट सर्फेस अपना आ चुका है, ढलान नहीं है, तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे थ्रॉटल पावर लगानी पड़ेगी अपनी ट्रेन पे ताकि जो स्पीड है वो मेंटेन हो रहती रहे। तो एक काम करते हैं यार कैब व्यू में चलते हैं, काफ़ी टाइम से कैब व्यू में नहीं आए।
और मुझे लग रहा है कोई रेलवे स्टेशन है यार यहाँ पे पास आ रहे हैं मेरे, तो इसको अच्छे से क्रॉस करते हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन है यार, देखते हैं गाइस। अच्छा आपका सज्जन रेलवे स्टेशन। तो गाइस राइट नाउ जो अपनी ट्रेन है वो सज्जन रेलवे स्टेशन को यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है। आपने देखा होगा पीछे वो दो वैक्सवन भी खड़े थे। शायद कौन सी थी यार, मैं नोटिस नहीं कर पाया गाइस, काफी स्पीड में जा रही थी यार मेरी ट्रेन। एक काम करते हैं गाइस 50% थ्रॉटल पावर लगाते हैं। मैंने कहा था 115 फ्लैट सरफेस पे भाई लेके जाऊंगा मैं अपनी ट्रेन को, तब मैं लगा रहा हूँ 50% थ्रॉटल पावर। क्या साउंड एक्सपीरियंस है मेरी जान। 16587 यशवंतपुर से बीकानेर जाने वाली, ओ भाई ही दिल ले गया भाई ये है। WDP4 गाइस कृष्णा रजापुरम शेड का, उसकी हमिंग सुन रहे थे, जूम करके निकला भाई ही, ये था भाई खतरनाक क्रॉसिंग। देख लो भाई अपनी वीडियो में जब ऐसी क्रॉसिंग होती है ना मजा आ जाता है। और गाइस अपना एक तो लोको का भाई हॉर्न एकदम बंद नहीं हुआ है। अच्छा ये देख रहे हो यार स्पीडोमीटर, भाई वो निडल देख रहे थे ऐसे डांस कर रही है ना, मतलब लोको ने भाई लगा रखी है अच्छे से इंजन की। लोको कह रहा हूँ यार, मतलब इंजन ने लगा रखी है लोको की कि भाई आज तो ना मचा देना है मैंने, ट्रैक पे जो कहर लेके आऊँगा। बट खैर गाइस, अरे यार यहाँ पे ग्रेडियंट है तो चलो 50% ही लगे रहने देते हैं। और अब देखते हैं कौन सी अपनी क्रॉसिंग हो सकती है। यशवंतपुर बीकानेर गाइस फ्लैट 130 लेके जा रहा है यार, जब डीजल लोको गाइस सच में कह रहा हूँ 130 की रफ्तार पे किसी LHB ट्रेन को लेकर जाता ना, उसका भाई एक अलग ही ऑरा होता है। तुम उसके करीब जाके, मतलब भाई जाना मत, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, मतलब मजाक नहीं जनरली बोल रहा हूँ, उसके थोड़ा सा करीब जाकर सेफ डिस्टेंस पे रह के कभी देख लेना, मजा आ जाएगा। जो भाई हिलाएगा ना क्या, हाँ मुझे नहीं पता गाय मैंने अभी क्या कहा यार, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे वे में लेना। तो देखो भाई 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 भाई, भाई, भाई ब्रेक लगा, भाई ब्रेक लगा। गाइस उमरगम रोड रेलवे स्टेशन का 90 का कॉशन था, मैं भाई तुम लोग क्या करवाते हो यार। अच्छा ये आप देख पा रहे होगे कोई लोकल ट्रेन यहाँ पे उमरगम रोड रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। गाइस क्या करवाते हो यार तुम लोग, तुम कह रहे हो कि भाई हमने क्या करवाया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों से मैं बातों में मगन हो गया, मेरा आगे 90 का कॉशन लगा पड़ा था, मैंने ट्रैक मॉनिटर पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए कहते हैं गाइस लोको पायलट को, या लोको पायलट तो क्या, अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी या कुछ भी चला रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसका फोकस खराब हो जाता है भाई। कहां 90 की कॉशन पे ना तुम लोगों ने मेरे को 110 के ऊपर निकलवाया है, वो तो अच्छा किसी ने देखा नहीं होगा। हाँ अब तुम लोग हंस लो, इतने सारे लोग देख तो रहे हैं भाई ही। बट खैर तुम लोग अपने भाइयों किसी को बताना मत बस। अच्छा ये आप देख रहे होगे वाइब्रेंट गुजरात वेलकम्स यू। अच्छा अपना गुजरात गाइस पीछे जा चुका है, अभी मुझे लग रहा है अपना महाराष्ट्र लग चुका है। कौन सा रेलवे स्टेशन था, उमरगम रोड। तो गाइस उमरगम रोड जैसे ही हम क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका महाराष्ट्र में आप एंटर कर जाते हो और गुजरात आपका ख़त्म हो जाता है। तो चलो एक काम करते हैं 63% थ्रॉटल पावर लगाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यार 63 के ऊपर नहीं गए हैं। बट खैर यार अभी कहाँ से भिलाड़ से निकले थे तो 100 लगाई थी, बट खैर कोई बात नहीं काफ़ी टाइम हो गया। एंड राइट नाउ गाइस जो अपनी ट्रेन है वो बोरदी रेलवे स्टेशन क्रॉस करने वाली है, और यहाँ पे कोई मेरी क्रॉसिंग लग रही है यार, तो यहाँ पे थोड़ा हॉन्ग करते हैं। 14708 दादर से बीकानेर चलने वाली रनकपुर एक्सप्रेस किसी वैफ 5 के साथ गाइस, क्या शानदार क्रॉसिंग करी है यार, ओए हो ताबड़तोड़। गाइस अपनी ट्रेन ने तो बोरदी रेलवे स्टेशन को डिसमिस मार दिया भाई 112 की रफ्तार। तो चलो गाइस यार अब थोड़ा सा ना थ्रॉटल पावर यहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ। ऐसा आप देख पा रहे होगे अपनी जो स्पीड है 115 ऑलमोस्ट टच हो गई है, हाँ हो चुकी है चलो। अच्छा गाइस मैंने तुम लोगों को बताया कि मैंने अपना जो लोकोमोटिव का शीशा है वो क्यों खोला था, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तुम्हें पता है अपना डीजल लोको है क्या, तुम लोगों को इसका कहीं पेंटोग्राफ दिख रहा है, जो ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कह रहे हो तुम लोग इसको। अच्छा ये आप देख पा रहे होगे उधर साइड जो है फ्रेट कॉरिडोर का यहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा अपने पूरे लोको में देखो ना तो एसी है ना पंखा है कहीं, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को ये शीशा खोले रखना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसको बंद कर दिया ना, मैं कसम से कह रहा हूँ मेरी तंदूरी बन जानी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा हीट हो रखी है ना अभी इस लोकोमोटिव में। WDM3 है भाई थोड़ी सी यार ट्रेन को यहाँ पे मेंटेन करो तुम अपनी स्पीड को, आई मीन ठीक है गाइस इतनी ज़्यादा भी नहीं है। एक काम करते हैं गाइस थ्रॉटल पावर को ज़ीरो करके ना इंजन ब्रेक्स लगा लेते हैं, तो जो मेरी स्पीड है वो कहीं ना कहीं स्लोली 0.1 कर करके कम होती जाएगी। अच्छा यहाँ पे गाइस किसी स्टेशन को हम क्रॉस करने वाले हैं, घोलवाद स्टेशन। चलो 110 के अंडर में आ चुकी है, थ्रॉटल पावर 25 लगा देते हैं वापस से। बहुत ही सही तरीके से भाई अपनी ट्रेन यहाँ पे क्रॉस करते हुए, एक तो गाइस ये वाला भाई हॉर्न और अपनी करंट ट्रैक साउंड सुनो, तुम बस
नोटिस करके सुनो। अरे यार लेवल क्रॉसिंग तो, चलो कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा कर्व है तो यहाँ पे अच्छे से हॉन्क करते हैं। और पूरे कर्व पे यार सोचो 130 की रफ्तार है यहाँ पे, मतलब जब ट्रेन जाती होंगी क्या मज़ा आ जाता होगा। अंदर बैठे लोग तो ओए होए होए, कभी इधर तो कभी इधर। अच्छा अभी देखो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ना, तुम लोगों को देख के मज़ा आ गया। ओए होए 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 होए, क्या बात है। अच्छा एक चीज़ दिखाओ, अभी पीछे देखो अपनी पूरी ट्रेन कर्व पे है भाई। गाइस कर्व से मुझे याद आया, तुम्हें पता है ना मैं अभी तमिलनाडु होके आया हूँ। गाइस मैं एक्चुअली जब तमिलनाडु गया ना तो मैंने तमिलनाडु एक्सप्रेस प्रेफर करी थी, और विजयवाड़ा के आउटर पे जब अपनी ट्रेन चल रही थी भाई, ऐसा एक कर्व मैंने देखा था, मतलब पूरा सी बन चुका था भाई ट्रैक्स का, और पूरा पीछे SLR दिख रहा था और पूरा लोको दिख रहा था। और जो उन दोनों, मतलब एक तो वैगन से SLR से और लोको से जो ग्रीन लाइट निकल रही थी ना भाई रात के टाइम पे, मैं देखकर हैरान था गाइस, क्या सीन था भाई वो, मतलब मज़ा आ गया था। मैं सच कह रहा हूँ गाइस, मेरा तमिलनाडु का जो ट्रिप रहा ना वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट्स मैंने विटनेस किए ना। तुम सोचो तुम्हारा सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट क्या रहा होगा अभी तक की जर्नी का। खैर इन सब बातों के बीच में मेरे लोगों ने जो यार पावर लगाई है ना, क्या बात है। खैर इसके बीच में थोड़ा सा हॉन्ग करके चलते हैं, मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ। गाइस पता है जब मैं रिटर्न कर रहा था ना तमिलनाडु से, तो मैंने फिर से तमिलनाडु प्रेफर करी थी, और जब शायद भोपाल से निकल चुकी थी ना ट्रेन, रात का टाइम था, मैं डोर पर गया, मैं बाहर देख रहा था, आसमान की तरफ देखा भाई, टूटता हुआ तारा जो मुझे दिखा है मैं बता नहीं सकता गाइस, क्या क्या मतलब मोमेंट्स मेरे साथ हुए हैं। इतना प्यारा मेरा ट्रिप रहा ना ये, मतलब सोचो तुम अपने वन ऑफ द फेवरेट लाइक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल कर रहे हो, और कुछ ऐसे सीन्स विजिबल हो तुमको, लाइक वंस इन अ मिलियन तो नहीं कह सकते, बट खैर कह भी सकते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने कभी टूटता हुआ तारा विटनेस नहीं किया था, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये वंस इन अ मिलियन कह सकते हैं। तो बस यहीं पे इसी बीच अपनी क्रॉसिंग लग गई 12480 बांद्रा से JU जोधपुर, जहाँ तक मुझे पता है सूर्य नगरी सुपरफास्ट है यार, जी हाँ सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पर हमें क्रॉस करके गई। क्या बात है यार, वैसे लोको क्या था, वैफोर था क्या? अरे यार मैं लोको नोटिस नहीं कर पाया भाई, वो छोड़ो यार, मेरा सिग्नल यहाँ पर रेड क्यों रखा है, और WDM3 भाई थोड़ी सी पावर गिरा ले यार, 112 जा रहा है। एक काम करते हैं गाइस, 25% लगा के छोड़ देते हैं। गाइस यार ये मुझे रेड सिग्नल क्यों दिया गया है, इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा एक चीज़ नोटिस करे, अरे यार पश्चिम मेरे आगे चल रही है, पश्चिम का दहानू पर स्टॉप होता है, पर अगर उसको मेन लाइन का स्टॉप दे दिया तो कहीं ना कहीं मेरी ट्रेन लेट हो जाएगी। आओ भाई आओ, तुम लूप लाइन पे आओ, तुम हमें पेल के गए हो, अब हम तुम्हें पेलेंगे, चलो। तो भाई WDM3A बस थोड़ा सा ना यहाँ पे स्लो हो जा भाई, क्योंकि आगे हम गाइस मैं अच्छी खासी स्पीड पे ना इस ट्रेन को ओवरटेक करने वाला हूँ, तुम रेडी रहना। यार ये सिग्नल मिल जाए मेरे को, चलो अब तो मिलने वाला है, अब तो मेरे को कन्फर्म है कि ये मिलने वाला है सिग्नल। चलो भाई 50% थ्रॉटल पावर लगाओ ना, मैंने इस छगिंग साउंड के साथ इस ट्रेन को अच्छे से ओवरटेक कर दिया ना। नाम बदल लेना, देखो नाम मत बदलना, नाम अच्छा खास है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, और तुम देखना अभी सिग्नल्स का क्या होने वाला है, मैं कसम से कह रहा हूँ। अभी ना असिस्टेंट लोको पायलट अगर मेरी ट्रेन में होता, वो भाई कहता लोको पायलट जी सुधर जाओ, ओए होए 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 भाई, दिल चीर हो गया भाई, भाई क्या निशाना पड़ा है, देख रहे थे डबल येल्लो से सिग्नल जो ग्रीन हुआ है, अब तो पेल के जाएंगे भाई पश्चिम को। भाई लुधियाना 63 लगाओ इस बार तो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये दहानू रोड रेलवे स्टेशन ही आने वाला है। यार मेरी स्पीड ना कहीं बस 120 के ऊपर ना जाए तो सही रहेगा, बट खैर देखते हैं यार। भाई धक धक हो रही है अभी मेरे को, हार्ट बीट में बता नहीं सकता मेरे क्या हो रखी है। WDM3A भाई ट्विन टोन होंकिंग चाहिए साथ वाली। गज ये देखो अपना भाई दहानू शहर पास आ गया, अरे यार 120, चलो कोई नहीं यार आज तो हो जाए, आज तो अच्छे से ओवरटेक कर देते हैं, काफ़ी टाइम से ओवर स्पीडिंग नहीं करी है। दहानू रोड डिसमिस है भाई, डिसमिस है, बहुत गंदा लेवल डिसमिस है। और ये देखो बाय बाय पश्चिम सुपर फास्ट, 125 की स्पीड पे भवनगर काकीनाडा ने जो ओवरटेक मारा है भाई, पेल दिया भाई, पेल दिया, बहुत गंदा पेल दिया, डिसमिस है भाई, मचा दिया भाई। अच्छा ये देखो
वो भैंस की पूंछ भाई मालगाड़ी ने जो मुझे यहाँ पर क्रॉस मारा है। डब्ल्यू डी एम तेरी भाई नॉन स्टॉप हॉकिंग चाहिए यार, थोड़ी सी बस पावर रिड्यूस कर ले। गैस ये देखो मालगाड़ी देख रहे हो, ये याद होगी कहाँ मुझे ओवरटेक करके गई थी, याद आ रहा है? बिलाड़ पे इसने ही मुझे ओवरटेक किया था भाई, कहाँ से वलसाड से मुझे ट्रॉल कर रही है, दहानों पर इसको भी डिसमिस, बाय बाय। क्या बात है गैस यार, आज की वीडियो मैंने यार जो जो मेरे विजुअल्स रहे हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, क्या खुशी मिली है मुझे यहाँ पे। अच्छा ये आप देख पा रहे होगे, कोई मालगाड़ी आपकी यहाँ पे बाहर खड़ी है दहानू रोड आउटर में। अच्छा आपकी जो गैस वडोदरा की साइड मालगाड़ी जाती होंगी ना, जब ट्रैफिक हद से ज़्यादा हो जाता होगा तो उनको कभी कभी यहाँ पे भी खड़ा करवाया जा सकता है, मे बी, मुझे नहीं पता बट ऐसा मुझे लग रहा था। भाई इधर देखो यार, पीछे भी खड़ी है कोई मालगाड़ी, डबल एल को थे यार उस पर, क्या बात है। तो गाइस देखो यार आज का सफ़र ना काफ़ी शानदार रहा, याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में जो है दहानू रोड तक कवर किया था, अपनी पैसेंजर को मैंने चलाया था। और खैर यहाँ पे मेरी एक और यार क्रॉसिंग लग गई है, इसको तुम लोग इन्जॉय करो। तो गाइस डबल एल को ये मालगाड़ी के साथ, इतनी लंबी मालगाड़ी है यार। तो गाइस याद होगा यार लास्ट वीडियो में मैंने दहानू रोड तक कवर किया था, अपनी पैसेंजर को मैंने चलाया था जो कि विरार से शायद वलसाड के लिए पैसेंजर चलती है, और मैंने कहा था उसका मैं पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा। वैसे पार्ट 2 से मुझे कुछ याद आया, मैं यार फूड क्वीन लाने वाला था। तो गाइस उस चीज़ को ना थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ऐसा नहीं है कि फूड क्वीन नहीं आएगी, जल्दी आएगी, बट यार मैंने सोचा अपनी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ ना तो थोड़ा सा डबल एल्को के साथ चला लेता हूँ ICF ट्रेन। बट खैर मंडोवी का भी मैं जो है, अब मंडोवी से तुम्हें पता होगा मंडोवी कौन सी ट्रेन है, फूड क्वीन ही मंडोवी एक्सप्रेस है, तो उसको गाइस मैं कहीं फ्यूचर में आने वाले टाइम पे बनाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यार सभी ने मेरे साथ एंजॉय किया हो, आज का सफ़र मैं इतना ही कर सकता था अपनी ट्रेन के साथ। देखो वलसाड से मैं निकला था, दहानू रोड तक लेके आ गया, ये यार बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई और ये भी मुझे नहीं पता मैंने आज कैसे बना दी, बस हो गया जैसे भी हुआ। तो गाइस देखो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो इसके बारे में, आज के अपने फेवरेट मोमेंट्स जो भी रहे हो वीडियो में वो बताना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो ये भी आप मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि वो बना पाऊँ। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो वैप 5 किसी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन ब्रेक के साथ मुझे यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। सो स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, अब अपना ध्यान रखो, मेरी वीडियोज़ देखते रहो। अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ। ओए होए होए तुम्हारे चाहते वक्त ही तुम देख रहे हो, क्या थ्रॉटल पावर लगी है भाई की। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।